सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस यार, मैंने आप लोग के लिए ना भाई काफी दिनों से यार सर्वाइवल गेम के ऊपर वीडियो नहीं लाया है, जो कि भाई आप लोग का फेवरेट टॉपिक है। और आप लोग ना भाई पुराने सर्वाइवल गेम्स को खेल खेल के काफी ज्यादा पक भी चुके होंगे, तो अब टाइम है कुछ नए सर्वाइवल गेम्स को खेलने का। तो आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को जितना सर्वाइवल गेम्स के बारे में बताऊंगा ना, वो सभी भाई बेस्ट टू बेस्ट होने वाली है। यानी कि भाई आप लोग को ज्यादा सर्वाइवल गेम्स के बारे में नहीं बताऊंगा, औरों की तरह भाई ज्यादा सर्वाइवल गेम्स तो बता देते, लेकिन यार कोई बेस्ट तो होता नहीं है। तो आज की इस वीडियो मैं आप लोग को टॉप 3 बेस्ट न्यू सर्वाइवल गेम्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि भाई काफी ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। एंड सभी गेम के अंदर ना आप लोग को ग्राफिक्स एकदम तगड़े देखने को मिल जाएंगे, और सभी गेम जो है ना भाई मैंने पर्सनली खेल के बताया, तो आप लोग को ना काफी ज्यादा पसंद भी आएगा। तो इसीलिए भाई ये वाली वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, और साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आप लोग में से भाई 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो भाई कर दो यार सब्सक्राइब, दिल से बुरा लगता है। तो चलो गाइस, आई होप कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो इसी के साथ भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि भाई पारल सवाल गेम खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, सो उसके ऐसा कोई गेम बताओ। सो गाइस, ये गेम उसी के जैसा है, जिसका नाम है पोकेमोन लीजेंड्स आरसीएस, जिसमें आपको पारवर्ल्ड के जैसा एक बहुत ज्यादा बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के पोकेमोन देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप पोकेबॉल से पकड़ सकते हो, उन पर राइड कर सकते हो और दूसरे पोकेमोन से फाइट कर सकते हो। ये कहां फंस गया भाई मैं? मतलब अगर आपको पारवर्ल्ड गेम के ऐसा पोकेमोन गेम चाहिए, तो ये गेम आपको उससे भी जबरदस्त एक्सपीरियंस करा सकता है, क्योंकि इस गेम में आपको रियल वाले पोकेमोन देखने को मिलते हैं और ग्राफिक्स भी बहुत ही जबरदस्त है। बट ये भी 9th गेम यानी कि चूचू चास के ऐसा एक पीसी गेम है, जिसे आप अपने मोबाइल निंटेंडो स्विच के एमुलेटर का यूज करके बहुत आराम से खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हो ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। चलो गाइस, अब बढ़ते हैं सेकंड गेम की तरफ। ये गेम सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि गाइस इस गेम में ना आप लोग सर्वाइव करने के लिए आदमी नहीं होगे, आप लोग होगे एक डायनासोर, वो भी भाई इलेक्ट्रो वाला डायनासोर, जो कि भाई मुंह से लेजर वगैरह फेंकता है और पूरा रोबोट वाला डायनासोर है। मतलब कि आप लोग खुद ही सोचोगे भाई, अभी तक आप लोग सर्वाइवल गेम में आदमी का कैरेक्टर लेके सर्वाइव करते थे, लेकिन यार इस गेम में आप लोग डायनासोर का कैरेक्टर लेके सर्वाइव कर सकते हो। पूरा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा आप लोग को, भाई सर्वाइव करने में ना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला इस गेम में। लेकिन गाइस यार, जब आपके सामने बड़ा बड़ा डायनासोर वगैरह आ जाएगा ना, वो भी भाई एकदम पावरफुल वाला, तो उसके सामने थोड़ा हार्ड हो जाएगा सर्वाइव करना। बाकी बात इस गेम में सर्वाइव जो है ना काफी ज्यादा है, तो आप लोग को गेम डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा बाकी चीज। तो गाइस, इस गेम का नाम है जुरासिक मॉन्स्टर वर्ल्ड, जो कि आपको प्ले स्टोर पे 880 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर आप लोग को यूनिक टाइप का न्यू सर्वाइवल गेम चाहिए ना, तो भाई ये गेम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस गेम को भी एक बार जरूर से डाउनलोड करके खेल लेना। सो गाइस, 4th गेम का नाम है सेलर्स ओडिसी, और इस गेम में ग्राफिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, साथ ही इस गेम के फिजिक्स और गेम एनिमेशन भी बहुत ही जबरदस्त लेवल के देखने को मिलते हैं। सो इस गेम में आपको एक ओपन आइलैंड पर सर्वाइव करना होगा और साथ ही इस आइलैंड से निकलने का रास्ता भी ढूंढना होगा। बट ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गेम में आपको सर्वाइव करने के लिए खाना इकट्ठा करने से लेकर वेपन क्राफ्ट करने तक तो सभी चीजें करनी ही होगी, साथ ही स्केलेटन जैसे दिखने वाले पायरेट से बचना भी होगा, और भी काफी सारी खतरनाक चीजें देखने को मिल जाती हैं। और इस गेम की सबसे अच्छी चीज है कि इस गेम को आप ऑफलाइन तो खेल ही सकते हो, साथ ही मल्टीप्लेयर में भी खेल सकते हो, है ना गाइस, जबरदस्त। So, इस गेम का साइज़ 307 MB और गेम का डाउनलोड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर से बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो लाने का जरूर से कोशिश करूंगा। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।